किसान आंदोलन के दौरान अपनी लंबित मांगों को लेकर पंजाब और हरियाणा के किसानों ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच का आह्वान किया था। वहीं किसानों को रोकने के लिए जहां एक तरफ हरियाणा पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए थे, तो दिल्ली पुलिस ने भी एक बार फिर भारी कंक्रीट की दीवारें, इसके अलावा लोहे के हम कहीं बैरिकेटिंग और कंटेनर मिट्टी से भरे हुए रखे थे। और लेकिन अब जनता के लिए राहत की खबर ये है कि जिस तरह किसानों ने 29 फरवरी तक ये कह दिया है कि वो दिल्ली कूच नहीं करेंगे, तो दिल्ली पुलिस ने भी रास्ते खोल दिए हैं। फिलहाल मौजूदगी सोनीपत सिंघू बॉर्डर पर है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस तरह से पिछले 3 दिन से जो हम ये कहें कि दिल्ली पुलिस दोबारा जो सर्विस लाइन को खोलने का कार्य है वो जारी था, और अब राहत की खबर ये है कि रास्ते को खोल दिया गया है। हालांकि रास्ते खुलने के बाद एक परेशानी और बढ़ गई है कि सिर्फ सर्विस लाइन खुली है तो एक लंबा जाम भी यहां पर लगा हुआ है। लंबे जाम के बाद ही जो दिल्ली जाने वाले यात्री हैं वो पहुंच रहे हैं। परेशानी जरूर यहां पर यात्रियों को आ रही है, वाहन चालकों को आ रही है, लेकिन राहत की खबर सबसे बड़ी बात यह है कि अब सर्विस लाइन को दिल्ली पुलिस द्वारा शुरू कर दिया गया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का मानना यह है कि अगर किसान यहां आते हैं तो इसे बंद भी किया जा सकता है, क्योंकि 3 से 4 घंटे का समय लगेगा। उसी के आधार पर फिलहाल सर्विस लाइन आप देख सकते हैं कि सुचारू रूप से वाहन है उनका आना और जाना शुरू हो गया है। लेकिन एक तस्वीर दूसरी ओर मैं आपको दिखा दूं, नेशनल हाईवे 44 पर जिस तरह से बैरिकेटिंग की गई थी उसी तरह बैरिकेटिंग वैसी ही है, वैसी ही कंक्रीट की दीवार है। आरएएफ के जवानों की मौजूदगी है, इनको भी यहां से नहीं हटाया गया है, क्योंकि किसान हम भाई शंभू बॉर्डर और खिनौरी बॉर्डर पर अभी भी आंदोलन कर रहे हैं और वो वापस नहीं गए। हालांकि दिल्ली कोच की कॉल उन्होंने 29 फरवरी तक टाल दी है, लेकिन दिल्ली पुलिस को यह अंदेशा है कि अभी भी किसान आ सकते हैं, और उसी के लिए जो नेशनल हाईवे 44 है उससे ना तो कंक्रीट की दीवार हटाई है, ना ही कोई बैरिकेटिंग हटी है, सिर्फ सर्विस लाइन से जो कंक्रीट की दीवार उसको हटा दिया गया है और उसको खोल दिया गया है। कहीं ना कहीं यह जनता के लिए राहत की खबर है, और जो हमारे सूत्र हैं ये बता रहे हैं कि अगर किसान अब यहाँ दिल्ली की तरफ नहीं आएंगे तो फ्लाईओवर की भी 1 से 2 लाइन को और दिल्ली पुलिस खोल सकती है, ताकि आने जाने वाले वाहन चालकों और यात्रियों को जो सुविधा है वो बढ़ सके और उन्हें कुछ परेशानियों से कम किया जा सके। लेकिन देखना अब यही होगा कि नेशनल हाईवे को दिल्ली पुलिस कब तक खोलती है। फिलहाल सर्विस लाइन शुरू हो चुकी है जिससे आम जनता को राहत मिली है। सोनीपत सिंघू बॉर्डर से नितिन तिल, न्यूज 18। किसान आंदोलन के दौरान अपनी लंबित मांगों को लेकर पंजाब और हरियाणा के किसानों ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच का आह्वान किया था। वहीं किसानों को रोकने के लिए जहां एक तरफ हरियाणा पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए थे, तो दिल्ली पुलिस ने भी एक बार फिर भारी कंक्रीट की दीवारें, इसके अलावा लोहे के हम कहीं बैरिकेटिंग और कंटेनर मिट्टी से भरे हुए रखे थे। और लेकिन अब जनता के लिए राहत की खबर ये है कि जिस तरह किसानों ने 29 फरवरी तक ये कह दिया है कि वो दिल्ली कूच नहीं करेंगे, तो दिल्ली पुलिस ने भी रास्ते खोल दिए हैं। फिलहाल मौजूदगी सोनीपत सिंघू बॉर्डर पर है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस तरह से पिछले 3 दिन से जो हम ये कहें कि दिल्ली पुलिस दोबारा जो सर्विस लाइन को खोलने का कार्य है वो जारी था, और अब राहत की खबर ये है कि रास्ते को खोल दिया गया है। हालांकि रास्ते खुलने के बाद एक परेशानी और बढ़ गई है कि सिर्फ सर्विस लाइन खुली है तो एक लंबा जाम भी यहां पर लगा हुआ है। लंबे जाम के बाद ही जो दिल्ली जाने वाले यात्री हैं वो पहुंच रहे हैं। परेशानी जरूर यहां पर यात्रियों को आ रही है, वाहन चालकों को आ रही है, लेकिन राहत की खबर सबसे बड़ी बात यह है कि अब सर्विस लाइन को दिल्ली पुलिस द्वारा शुरू कर दिया गया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का मानना यह है कि अगर किसान यहां आते हैं तो इसे बंद भी किया जा सकता है, क्योंकि 3 से 4 घंटे का समय लगेगा। उसी के आधार पर फिलहाल सर्विस लाइन आप देख सकते हैं कि सुचारू रूप से वाहन है उनका आना और जाना शुरू हो गया है। लेकिन एक तस्वीर दूसरी ओर मैं आपको दिखा दूं, नेशनल हाईवे 44 पर जिस तरह से बैरिकेटिंग की गई थी उसी तरह बैरिकेटिंग वैसी ही है, वैसी ही कंक्रीट की दीवार है। आरएएफ के जवानों की मौजूदगी है, इनको भी यहां से नहीं हटाया गया है, क्योंकि किसान हम भाई शंभू बॉर्डर और खिनौरी बॉर्डर पर अभी भी आंदोलन कर रहे हैं और वो वापस नहीं गए। हालांकि दिल्ली कोच की कॉल उन्होंने 29 फरवरी तक टाल दी है, लेकिन दिल्ली पुलिस को यह अंदेशा है कि अभी भी किसान आ सकते हैं, और उसी के लिए जो नेशनल हाईवे 44 है उससे ना तो कंक्रीट की दीवार हटाई है, ना ही कोई बैरिकेटिंग हटी है, सिर्फ सर्विस लाइन से जो कंक्रीट की दीवार उसको हटा दिया गया है और उसको खोल दिया गया है। कहीं ना कहीं यह जनता के लिए राहत की खबर है, और जो हमारे सूत्र हैं ये बता रहे हैं कि अगर किसान अब यहाँ दिल्ली की तरफ नहीं आएंगे तो फ्लाईओवर की भी 1 से 2 लाइन को और दिल्ली पुलिस खोल सकती है, ताकि आने जाने वाले वाहन चालकों और यात्रियों को जो सुविधा है वो बढ़ सके और उन्हें कुछ परेशानियों से कम किया जा सके। लेकिन देखना अब यही होगा कि नेशनल हाईवे को दिल्ली पुलिस कब तक खोलती है। फिलहाल सर्विस लाइन शुरू हो चुकी है जिससे आम जनता को राहत मिली है। सोनीपत सिंघू बॉर्डर से नितिन तिल, न्यूज 18।